तो आपका एक बार दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं दिखाने जा रहा हूँ कि फिलहाल में एक आशा वर्करों से रिलेटेड एक वीडियो सामने में आया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में आशा कार्यकर्ताओं को और डीलरों को आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रशिक्षण दी जा रही है, मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अब इन्हीं के अंडर में आयुष्मान कार्ड फिर से बनेगा। जिन लोगों का छूटा हुआ है उन लोगों का बनेगा, जिन लोगों का पहले से बना हुआ है तो उन लोगों का नहीं बनेगा। तो इसी में एक वीडियो सामने में आया, तो देखिए किस तरीके से प्रशिक्षण हो रहा है और क्या क्या कह रहे हैं। हमारी बुलाई गई है, अभी एक हमारा पखवाड़ा चल रहा है, आयुष्मान भव पखवाड़ा, जिसको भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मनाया जा रहा है। अभी हमारे जनपद में 4 लाख के करीब लाभार्थी पात्र गृहस्थी वाले जुड़ गए हैं, तो उनके कार्ड में 6 से अधिक मेंबर हैं, उनके कार्ड बनाए जाएंगे। अब इससे पहले हमारा जो है करीब 7 लाख का डेटा था, जिसमें PMJY और माननीय मुख्यमंत्री जी जन आरोग्य योजना, अंत्योदय कार्ड धारक और कुछ असंगठित क्षेत्र के लेबरों के कार्ड बनाए जा रहे थे। अभी ये डेटा हमारा 4 लाख का लाभार्थियों का, करीब 69,000 फैमिली है, उनका कार्ड बनाया जाना है। तो ये हमारा विशेष पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जागरूक कर रहे हैं, उनके कार्ड बना रहे हैं और उन कार्डों का बनाकर वितरित किया जा रहा है। जी पोर्टल में प्रॉब्लम है, क्योंकि वह पूरे देश में इस समय चल रहा है, कंजेशन है, तो हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाया। जी बिल्कुल, राशन डीलरों का रोल इसमें यह होगा कि उनकी दुकान से संबंध 6 यूनिट से ज्यादा जो भी राशन कार्ड होल्डर है तो उनको भी या तो स्वयं बना सकते हैं, या तो यहाँ पे कैंप लगेगा, कैंप में उनकी बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। उनकी एक ट्रेनिंग भी आयोजित होगा इस कैंप में राशन डीलरों की, राशन डीलर कैंप में भी ट्रेनिंग ले रहे, ट्रेनिंग के बाद जाएंगे यहाँ कैंप लगेगा, कैंप में दुकानों पर या अगल बगल जहाँ भी उनकी सुविधा होगी, आशा अगर भाई समझ करके फिर एक जो है वो हमारे कार्ड बनाने में सहयोग करेंगे। राशन डीलर्स को वही बात बताई जा रही है कि कैसे ये कार्ड बनाया जाएगा, वो अपने माध्यम से या अपने एक सहयोगी कोई बच्चों को लेंगे, जिसके माध्यम से जब उनके पास लाभार्थी जाएंगे तो भी हमारे कार्ड बनाने में सहयोग करेंगे। आजकल इशू आ रहा है, उस इशू को ठीक होने का काफी लाभार्थी जो है इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो हमारा ये पोर्टल है, पोर्टल एक्चुअली पूरे देश में ये कार्ड बनाने का कार्य बड़े जोरों से किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि ज्यादा लोग एक साथ कार्ड बना रहे हैं, इस वजह से पोर्टल कभी कहीं धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी सरकार की ये प्लानिंग है कि पोर्टल के जो भी असुविधा हो रही है इसको जल्दी तत्काल सही किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्ड बनवाया जाए। सभी कार्ड पखवाड़े के अंतर्गत बनाए जाएंगे, इसके आगे भी योजना चालू रहेगी? देखिए ये तो सतत प्रयास है, ये योजनाएं आगे भी चलती रहेंगी और हम अभी भी ये कर रहे हैं। हमारा ये हमारी ये उद्देश्य है मेन कि हम सभी लोगों को जो भी पात्र लाभार्थी हैं सभी का कार्ड बनवा दें। आज जो मीटिंग हुई है, मीटिंग किस संबंध में थी? आयुष्मान कार्ड तो पहले भी बनते थे, अब क्या नई बात है? सबके लिए जरूरत, कोई नया क्राइटेरिया आया है या कोई नई योजना है? किस तरह से बनाए जाएंगे आपकी ओर से, आपको जिम्मेदारी क्या मिली है? हम लोगों को मीटिंग में इसलिए बुलाया गया कि राशन डीलर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरा इंडिया की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाए जाए। किस किसके बनाए जा रहे हैं? आयुष्मान कार्ड जो है राशन कार्ड छह से अधिक क्या और राशन डीलरों को लेकर जो आयुष्मान कार्ड को जो मीटिंग हुई है बैठक हुई है उसमें क्या महामंत्री हूँ, आज जयपुर के कार्यालय से सूचना मिली थी कि एक मीटिंग है गरीब स्थित चिकित्सा संस्थान पर, जिसमें आयुष्मान के संबंध में एक ट्रेनिंग दी जानी है, जिसमें सभी दुकानदारों को लेकर हम लोग उपस्थित हुए। इसमें उपस्थित माननीय लोगों ने हमें एक नई योजना से अवगत कराया, जिसमें अभी तक अंत्योदय कार्ड या 2011 से की जनगणना में शामिल कार्ड धारकों को लाभार्थियों को आयुष्मान से लाभान्वित किया जा रहा था। वर्तमान में एक नए योजना है, 160 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए एवं 6 यूनिट या 6 से अधिक यूनिट के कार्ड धारकों को, 5 रिश्ते कार्ड धारकों के आयुष्मान बनाने के लिए बताया गया है, और उसके संबंध में एक
लिंक भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर हम सुबह भी बना सकते हैं, लाभार्थी उसका बना सकते हैं या आशा कार्यकर्ता बना सकते हैं। जगह जगह जितनी भी नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी दुकानें उचित दर विक्रेता की दुकानें हैं, वहाँ सभी दुकानों पर इस वजह कैंप लगाने की भी बताया गया है, जिनका समय सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे और शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक बताया गया है, जिनमें जितने भी 6 लूट के कार्डधारक या 6 से अधिक के कार्डधारक पारदर्शी वाले हैं, उन सभी को उपस्थित होना है। प्रॉब्लम में आधार कार्ड के OTP के माध्यम से उनके आयुष्मान कार्ड बनाने हैं। मेरा नाम भुवनेश है और मैं इसरा इंडिया की तरफ से एज अ डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर एंड ट्रेनर इस मीटिंग में मौजूद हूँ, जिसमें मथुरा ज़िले के सभी राशन डीलर्स को और सभी आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और हम लोगों ने इन राशन डीलर्स के और इन आशा कार्यकर्ताओं की मदद के लिए कुछ स्टूडेंट वॉलंटियर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है, जिनकी सहायता से हम लोग इनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोगों ने इनको टेक्निकल डेमो दिए हैं, जिसमें अगर इनको एप्लीकेशन को चलाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो ये लोग हम तक पहुंच सकते हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि हम लोग इनको एप्लीकेशन पूरी तरीके से चलाने में सहयोग प्रदान करें। और इसके साथ साथ यहाँ पर करीब 150 से 200 लोगों का क्राउड है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर शहर की सारी आशाएँ आई हुई हैं और हम लोग इसरा इंडिया के माध्यम से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम करते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और आपके CMO सर के सहयोग से हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, जिनके माध्यम से हम लोग इन ट्रेनिंग्स को अलग अलग जगह पर करवा रहे हैं। और हम लोग अलग अलग जगह पर जाके कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैंप्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो भी सहायता हम लोगों से बन सकती है हम लोग उस सहायता को प्रदान कर रहे हैं। नहीं, कैंप में नहीं अटके पड़े हैं, सर्वर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, जिस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जितना भी मेडिकल स्टाफ है, हम लोग सब क्यूमुलेटिव प्रयास कर रहे हैं। और क्यूमुलेटिव प्रयासों के चलते आप लोग देख सकते हैं कि मथुरा ने पहले से तरक्की करी है और मथुरा आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो अभी आपने जो वीडियो देख करके आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सरकार बहुत ही तेजी से आयुष्मान कार्ड बनवाने में लगी हुई है और इसमें स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र की जो रीढ़ की हड्डी है आशा वर्कर, उनको भी इसमें शामिल की गई है। और साथ ही में डीलर जो कि गेहूं, चावल और भी चीज अनाज क्षेत्र में वितरण करते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि कोई भी लोग छूटे ना, कोई भी परिवार छूटे ना। और ये वाला जो भी आयोजन हुआ है, जो भी ये कार्यक्रम लागू हुआ है, तो इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल हो और सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन सके, क्योंकि ये एक पखवाड़ा चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या न्यू अपडेट आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलता है कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।